और ये अपॉर्चुनिटी है और इस कॉन्टेक्स्ट से कि ये माशाल्लाह ये अपनी नौीयत की एक पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के हवाले से तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो प्राइम फेसी जो अरेंजमेंट है दे लुक एक्सलेंट एंड आई कॉन्ग्रेजुलेट एवरीबडी हैज़ बिन इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड अरेंजिंग दिस सेमिनार जिस वक्त हम ये इस्लामाबाद आ रहे थे तो मुख्तसर सी बातचीत हुई तारिक्राम साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं और इंडस्ट्री लीडर भी रहे हैं तो आई वॉज़ क्वाइट थ्रिल टू तो फाइंड आउट और बल्कि हम लोगों ने एक कॉमन जो हमारा एक्सपीरियंस था कि वेन वी वर ग्रोइंग इन आवर अर्ली एज तो पाकिस्तान के अंदर जो मेजर मैनुफेक्चर थे वो सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन थी या इंटरनेशनल फार्मासूटिकल कंपनीज़ थी लेकिन देखते देखते जो आप लोगों ने यहाँ पर तरक्की माशाल्लाह हासिल की है एंड ऑबियसली आई डेंट नो दैट मोर देन 70 परसेंट ऑफ़ द मार्केट शेयर इज़ बीइंग ओन बाय द लोकल मैन्युफैक्चरर व्हिच इज़ ट्रूली एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो इस पर भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद <laughs> आज की इस तकरीब में मैं आपको सिर्फ सी पैक के कॉन्टेक्ट्स में कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा मुख्तर मैक्सिमम पाँच मिनट में पहले तो ये है कि जी जो सी पैक है वो ट्रूली मैं बिलीव करता हूँ या इन शाह इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर इन ब्रिंगिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री जहाँ तक फेज़ वन का ताल्लुक था तो उसकी बैकग्राउंड बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी एंड इंसिडेंटली आई वॉज इन्वॉल्व वन दिस इज़ कॉन्सेप्टिवलप और जो चाइना के अंदर ये जो ड्रीम uh, जो है वो इन्विजन किया गया वो ये था कि पाकिस्तान वॉज गोइंग थ्रू ह्यूज पावर क्राइसिस इन द कंट्री 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग आप लोगों को याद होगी तो वहाँ पर जाने के वहाँ जा जिस वक्त हम वहाँ पर गए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ दैट टाइम नवाज शरीफ ने जो कॉन्सेप्ट वो चाइनीज़ लीडरशिप के साथ किया था वो ये था कि हम पाकिस्तान की इकोनोमी को रिवाइव करना चाहते हैं या हम बेसिकली जो पावर क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो मोस्टली इफेक्ट हुई थी हमारा जी ग्रोथ जो है वो भी बहुत डिटेरोरेट हो गया था तो आप हमारी मदद करें ताकि हम ये जो पावर क्राइसिस हैं उसको एलिविएट कर सकें तो पावर क्राइसिस के अंदर जो मेन कंपोनेंट था वो ये था कि पाकिस्तान में जो हमारा एनर्जी फ्यूल मिक्स था वो सबसे ज़्यादा ख़राब था अगर हम अपने आप को किसी भी अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग या डिवेलप कंट्री से कंपेयर करें कि दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द पावर जनरेशन हैड बिन एंड स्टिल बेस्ड ऑन कोल और हमारे पास एक सिंगल मेगावाट भी कोल पे नहीं था थर का आपने तस्करा सुना होगा साल साल से वी हैड नॉट बिन एबल टू एक्सप्लॉय जबकि इट वॉज द सेवन लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो उनके साथ जो एग्रीमेंट थी कि वो हमें फाइनेंसिंग देंगे मेजर पावर क्राइसिस को एलिविएट करने के लिए थर फील्ड को डेवलप करने के लिए और कोल बेस्ड पावर जनरेशन के लिए क्योंकि कोल बेस्ड पावर जनरेशन की जो फाइनेंसिंग थी वो नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन लैंडर्स जो हैं उन्होंने उससे मना कर दिया था तो फेज़ वन के अंदर जो फोकस था वो यही था इस वक्त एज वी स्पीक तेरह बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं तीन एरियाज़ के अंदर एक पावर और दूसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज़ इन लाइन विद चाइनाज़ विजन कि उन्होंने काशगर से लेकर गवादर तक जो राहदारी है जिसको वन बेल्ट वन रोल्ड या उनका एंशंट जो उनका जो जो ड्रीम था कि कनेक्टिविटी उन्होंने क्रिएट करनी थी रान फ्राम द ईस्टर्न राउट फ्राम वेस्टर्न चाइना ऑल द वे टू तो गवादर तो वो उस पर काम हुआ और तीसरा जो खातिर ख़ा काम हुआ वो था गवादर की पोर्ट की डेवलपमेंट 12 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में हैं जो कि इन नो आठ से दस माह तक वो कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें ये पावर है और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टोटल 25 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चाइना से माशाल्लाह इस मुल्क में आ चुकी है नाउ वी आर ट्रांजिटिंग इनटू टू फेज़ टू ऑफ सी पैक फेज़ टू का जो स्कोप है इट इज़ ऑर्डर ऑफ मैगनीट्यूड मोर दैन फेज़ वन क्योंकि इस वक्त एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि बाईस महीने की मुसलसल कोशिश के बाद कोविड का भी इसमें काफ़ी खातर यू नो रीज़न है जो जे नहीं हो सकी लेकिन माशाल्लाह लास्ट वीक आप लोगों ने देखा कि बड़ी सक्सेसफुल जेसीसी हुई और उसके अंदर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई कि फेज़ टू जो है उसका स्कोप क्या होगा और वो स्कोप ये है कि वाइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोगों ने म्यूचुअल कोपरेशन करनी है चाहे उसके अंदर एग्रीकल्चर हो या उसके अंदर इंडस्ट्रियल कोपोरेशन हो या उसके अंदर फार्मास्यूटिकल हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो एंड सोन एंड सो फोर्थ और उसके साथ साथ आई एम श्योर आप लोग ये भी सुनते होंगे कि मुल्क के अंदर देर आर नाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिनको ईयर मार्क किया है फॉर सच काइंड ऑफ डिवेलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द कंट्री तो इस वक्त जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है खास तौर पर अगर मैं उसको सी पैक अथॉरिटी के हवाले से बात करूँ तो इन शेरी सोन एंड इन वेरी क्लोज कॉपरेशन विद द बी ओ आई साहब हैज़ बिन इन्वाल्व इन दैट वन कि हम एक जॉइंटली फैसिलिटेशन सेंटर या वन विंडो ऑपरेशन बना रहे हैं और उस का मकसद सिर्फ यही है कि जिस वक्त हम जाकर इन वाइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर चाइनीज़ के जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर को परसुएड करें और उनको ये कन्विंस करें कि वाई शुड दे कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान वॉट इज़ द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन विच दीज नो मेक अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स और लास्ट बट नॉट द डीज़ के उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोनस को हम पॉपुलेट करें और इन शाह जो एक हमारा ये ड्रीम है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस मुल्क के अंदर लेकर आना है जहाँ तक आपका फार्मास्यूटिकल का ताल्लुक है तो मेरी एक ब्रीफ डिनर मीटिंग हुई थी विद सम ऑफ द मैनुफेक्चर इन कराची तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि एक तो ऑलरेडी एक काउंसिल जिसका रजाक साहब ने ब्रीफली तस्करा किया वो काउंसिल ऑलरेडी बन चुकी है और उसके अंदर आई वो स्टोल के खालिद महमूद खालिद महमूद साहब ालिबा उसका एक मेम्बर हैं तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप ज़रा ये गौर व करें म्यूचुअली कि वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर जाकर हम चाइनीज़ लीडिंग मैनुफेक्चर को परसुवेट कर सकते हैं उनको फिर यहाँ पर आ के पाकिस्तान के अंदर उनको ले आया जाए और फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो चाहे वो रशाकाई का हो या फैसलाबाद का हो या धाबे जी का हो या वो गवादर का हो तो वहाँ पर हम जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी कुछ दो चार हफ्ते पहले तो़िरल साहब से मैंने जो लीडिंग चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनका मैंने रेफरेंस लिया था और जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है तो इन शाला एस सोन एस वी प्रिपेयर लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमें वो क्या बिजनेस प्लान है वो क्या एक प्रोपोजिशन है जिसको हमने तैयार करके वी स्टार्ट एंड यू नो बिगिन आवर इनिशिएटिव विद द चाइनीज़ लीडिंग मैनुफेक्चरर मुझे पता है कि आप लोगों की मेजर मैनुफेक्चरिंग जो है उसमें रॉ मटेरियल आपको या इंडिया से या चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है देर शुड नॉट बी एनी रीज़न वाई वी शुड बी एबल टू रियली नो डेवलप दैट रॉ मटेरियल विद इन पाकिस्तान और वंस दैट इज़ गोइंग टू बी डन तो मेन स्ट्रेटजी यही है कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन जो आए उसके अंदर दो तकाजे पूरे हों एक इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन और दूसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड आई एम श्योर जिस तरह इस इंडस्ट्री ने यहाँ पर तरक्की की है तो अगर हम इस स्ट्रेटजी के साथ काम करें और इन शाह तक फुलस्ट कोऑप्रेशन प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम वन विंडो ऑपरेशन ऑफ सी पैक अथॉरिटी तो देर इज़ गोइंग टू बी ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दिस इनिशिएटिव आई अगेन थैंक यू वेरी मच एंड यू नो आई प्रे एंड विश दैट आपकी ये जो सेमिनार है ये बहुत अच्छी तरीके के साथ कंक्लूड हो और जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने इसके लिए इन्विजन किए हैं आप उसको पूरा करने में कामयाब हों थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर आपने बहुत ही मुख्तर अंदाज़ में बता दिया है कि ग्रोथ अगेन वेरी टारगेटेड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ